राधे राधे दोस्तों, आज इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र माह की अमावस्या की जानकारी। इसमें हम जानेंगे धार्मिक और ज्योतिष महत्व अमावस्या का, साथ ही जानेंगे पूजा के सभी शुभ मुहूर्त के साथ सभी जरूरी अन्य जानकारी। हिंदू धर्म में चैत्र अमावस्या को बहुत ही विशेष माना जाता है। सोमवार और शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस साल चैत्र अमावस्या बेहद खास है, क्योंकि ये दिन सोमवार होने से सोमवती अमावस्या का खास संयोग बन रहा है। ऐसे में पितरों के साथ शिव पूजा के लिए भी चैत्र अमावस्या का दिन बेहद खास होने वाला है। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य जी से चैत्र माह में कब पड़ेगी अमावस्या और स्नान दान के मुहूर्त। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इसका ज्योतिष महत्व। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या का दिन बहुत शक्तिशाली होता है। ये दिन चंद्रमा की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन चंद्रमा अपने अस्त काल में होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में है तो ये निश्चित रूप से आपकी भावनाओं और संवेदनाओं को प्रभावित करता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा को जल चढ़ाने और भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखकर शिव और पार्वती पूजा करने से सभी संकट दूर होते हैं और पाप से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। सोमवती अमावस्या पर स्नान और दान करने से पितर खुश होते हैं। तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये था सोमवती अमावस्या का ज्योतिष महत्व। और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत पूजन करने और पितरों के निमित्त तिल देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवार का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का दिन माना जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से सुहाग की आयु लंबी होती है और साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन की गई पूजा से घर में मौजूद नकारात्मक विचारों का नाश होता है। वहीं भगवान शिव के उपासक इस दिन बड़े स्तर पर यज्ञ का आयोजन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन पर पितरों का तर्पण करने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व होता है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस पावन दिन पर माता लक्ष्मी की पूजा करना भी शुभ होता है। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। तो ये था ज्योतिष और धार्मिक महत्व। आप जानते हैं इस दिन की डेट तिथि के साथ सभी शुभ मुहूर्त के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सोमवती अमावस्या के शुभ मुहूर्त की। तो इस बार यानी कि साल 2024 में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 8 अप्रैल को सुबह 3:11 से शुरू हो रही है और ये तिथि उस दिन ही रात में 11:50 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को है। इस साल की पहली सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल 2024 सोमवार को है। ये चैत्र महीने की अमावस्या होगी और सोमवार को पड़ने के कारण इस अमावस्या पर शिव पूजा खास मानी जाती है। ऐसे में इस दिन भक्त को दुगना फल प्राप्त कर सकते हैं और इस दिन शिव पूजा का समय नोट करें। इस दिन शिव पूजा का मुहूर्त है सुबह के 9:13 से लेकर के 10:48 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में पितरों का तर्पण लेने का समय है सुबह 11:58 से लेकर के दोपहर के 12:48 तक ये समय रहेगा। और इसके साथ ही बात करें स्नान दान की, तो स्नान दान का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:32 तक। बता दें इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में डुबकी लगाकर
स्नान करना अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन तीर्थ स्थल पर स्नान किया जाता है। गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना, नर्मदा या फिर कोई भी पवित्र नदी में स्नान करने का अनंत गुना फल सोमवती अमावस्या को मिलता है। सोमवती अमावस्या को पूरे दिन पंचक है तो सोमवती अमावस्या का स्नान और दान भी पंचक में ही करना होगा। पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा वर्जित होती है। तो ये थे चैत अमावस्या दिन के शुभ मुहूर्त। अब जान लेते हैं इस दिन के शुभ योग और नक्षत्र के बारे में। सोमवती अमावस्या के दिन इंद्र योग और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। इंद्र योग 8 अप्रैल को सुबह से लेकर शाम 6:14 तक है। वहीं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र सुबह से लेकर 10:12 तक है। उसके बाद से रेवती नक्षत्र शुरू होगा। इंद्र योग को शुभ और शुभ सुविधाओं में वृद्धि वाला माना जाता है, इसलिए ये अमावस्या विशेष खास होगी। और अब जानते हैं इस चैत अमावस्या के व्रत एवं अनुष्ठानों के बारे में। चैत अमावस्या व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित एक हिंदू उपवास है, जो विशेष रूप से हिंदू कैलेंडर के चैत महीने में अमावस्या के दिन को मनाया जाता है। भक्त समृद्धि, खुशहाली और बाधाओं को दूर करने का आशीर्वाद पाने के लिए ये व्रत करते हैं। अनुष्ठान में आमतौर पर एक दिन का उपवास शामिल होता है। शाम तक भोजन और पानी से परहेज किया जाता है। जब चंद्रमा उगता है विशेष प्रार्थनाएं और भजन गाए जाते हैं और भक्त फूल, फल और अन्य प्रतीकात्मक वस्तुएं चढ़ाने के लिए विष्णु मंदिरों में जाते हैं। दीपक जलाना और पवित्र नदियों या तालाबों में औपचारिक स्नान करना आम प्रथा है। साथ ही चैत अमावस्या सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है, जो चैत महीने की शुरुआत का प्रतीक है और चंद्र कैलेंडर में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से दैवी आशीर्वाद और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये थे चैत अमावस्या के व्रत और अनुष्ठान। और अब जानते हैं चैत अमावस्या की पूजा कैसे करें। अमावस्या पूजा का विधि विधान। इस दिन सुबह मौन रहकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें, इससे पितरों को भी शांति मिलती है। और सूर्य व तुलसी को जल अर्पण करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, तुलसी जी की 108 बार परिक्रमा करें और शिव भगवान की प्रतिमा पर जल चढ़ाएं। इस दिन गाय को दही और चावल खिलाएं और हो सके तो इस दिन पूरा दिन मौन व्रत धारण करें। इसके साथ ही इस दिन पीपल के पेड़ के पास जाएं, वहां पास में ही तुलसी भी रखें, उस पर दूध, दही, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, माला, हल्दी और काला तिल चढ़ाएं। पान और हल्दी की गांठ व धान को पान पर रखकर तुलसी जी को चढ़ाएं और इस दिन पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। इस दिन कुछ सामानों के साथ भी परिक्रमा की जाती है, जैसे कि बिंदी, टॉफी, चूड़ी, मेहंदी, बिस्किट आदि कुछ भी। आप कुछ भी सामान 108 लेकर 108 बार पीपल की परिक्रमा करें, फिर उस सामान को विवाहिता कन्याओं में बांट दें और इसके साथ ही इस दिन घर में रुद्राभिषेक करवाएं और पूरी खीर आलू की सब्जी बनाकर पहले पितरों को अर्पण करें, फिर खुद ग्रहण करें और इसके साथ ही इस दिन कपड़े अन्य मिठाई का दान करें। इस व्रत से पाप मिटती है, आयु बढ़ती है, सुख संपत्ति बढ़ती है, संतान पति का सुख मिलता है, परिवार में क्लेश दूर होता है। तो दोस्तों ये थी सोमवती अमावस्या के दिन की जाने वाली पूजा का विधि विधान। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको काम आएगी। अब इस पोस्ट को हमें समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार को सोमवती अमावस्या पर भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर लक्ष्मी नारायण भगवान शिव माता पार्वती का आशीर्वाद सदर बना रहे। इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आप ही शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ।
तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। हम आपसे अपनी एक परेशानी भी शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिससे कि पोस्ट बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। ये आप भी पोस्ट में सुन के महसूस कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी साथी हमारा साथ जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।